ये जी अभी हमारा जो कद्दू गोश्त है माशाल्लाह देखे से काफी हद तक इसकी क्या तैयार हो चुका है। अभी थोड़ी इसकी बनाई अभी और साथ करेगा और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। ये देखो कद्दू गोश्त, ये जी कद्दू इसमें ऐड हो गया है। अभी इसको इसके साथ खिलाया जाएगा और हमारा जो आज की जो मेन ये जो डिश है तैयार हो जाएगी कद्दू गोश्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपने रेस्टोरेंट पर बना रहे हैं कद्दू गोश्त। ये बहुत ही मज़े की एक रेसिपी है, तो हम इसको अभी आपके सामने इसकी रेसिपी शेयर करेंगे कद्दू गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कद्दू गोश्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू करते हैं जी। ये हमारी आज की जो कद्दू गोश्त की डिश तैयार होने लगी उसका सामान है, ये प्याज है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो अभी उस्ताद जो है इसकी तैयारी शुरू करेंगे कद्दू गोश्त की। कद्दू जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है और ये जी हमारा चिकन है, ये हम चिकन में बना रहे हैं जी। कद्दू गोश्त चिकन के साथ ही बनेगा, तो अभी इसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसमें नरमाने से शुरू करते हैं जी। ये ऑयल अभी डाल दिया साथ में कढ़ाई में। कद्दू गोश्त चिकन में तैयार हो रहा है जी कद्दू गोश्त। तो अभी इसमें प्याज डालेंगे, ये ऑयल जो है अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो अभी इसमें डलेगी प्याज। ये अभी प्याज लेकर आ रहे हैं जी, ये गई जी प्याज। ये उस्ताद ने इसमें प्याज शामिल कर दिए कद्दू गोश्त में। ये इसकी बनाई स्टार्ट हो गई, ये देखें कद्दू गोश्त। ये सजे भी प्याज बनने के बाद टमाटर ऐड होंगे और उसके बाद मसाले। अच्छा जी, तो अभी इसकी प्याज की बुनाई करनी है, अभी डाल देना अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा चलें जी, अभी ये उस्ताद अभी प्याज की बुनाई कर रहे हैं, तो जैसे ही प्याज थोड़ा सा भुनता है तो मैं दोबारा मिलता हूँ जी आपको। ले जी हमारा ये प्याज काफी हद तक भुन चुका है, अभी इसमें डलेगा अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। ये पहले अभी साथ इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाला जी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अभी इसमें ऐड होंगे टमाटर। टमाटर ऐड किए जाएंगे अभी। ये उस्ताद ने अभी इसमें ऐड कर दिए जी टमाटर। ये टमाटर ऐड हो गया जी और अभी इसकी भुनाई हो रही है। अभी इसको थोड़ा पानी ऐड करेंगे टमाटर गलाने के लिए, तो उसके बाद इसमें मसाले ऐड होंगे। चलें जैसे ये टमाटर थोड़े से गलते हैं मैं दोबारा मिलता हूँ जी आप। ये थोड़ी सी अभी हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं, ये डाल दिए जी सबज मिर्च। तो ये जैसे थोड़ा टमाटर गलते हैं मैं दोबारा मिलता हूँ। ये जी हमारे टमाटर काफी हद तक गल गए हैं, अभी इसमें डालने लगे हैं जी सुर्ख मिर्च पाउडर। और ये डलेगा जी हल्दी पाउडर और सॉरी नमक। ये मसाले ऐड हो गए जी, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी डालेगा सर, ये डल गई। और थोड़ा सा पानी ऐड किया, ये मसाले की बनाई हो रही है। और अभी इसमें क्या ऐड होगा जी सर? जी सर मसाला बुनाई के बाद इसमें ऐड होगा जी चिकन और उसके बाद कद्दू। तो अभी इसके मसाले की बनाई हो रही है, तो जैसे ये बनाई कम्प्लीट कितने देर तक बनाई हो जाएगी साजी? चले जी 2-3 मिनट तक, ये जैसे मसाला भूनता है मैं दोबारा मिलता हूँ जी आपको। ये जी हमारा मसाला जो है ये भून चुका है, अभी इसमें ऐड करेंगे चिकन। ये देखिए आयल इसने छोड़ दिया, ये मसाला भून चुका है जी। ये देखिए अभी इसमें आयल ऐड होगा, सॉरी इसमें चिकन ऐड होगा। ये चिकन ऐड हो गया जी,
अभी इसको पहले भुनेंगे उस्ताद जी या साथ ही कद्दू डाल देंगे? अच्छा पहले इसकी बनाई होगी, अभी ये चिकन की बनाई होगी, उसके बाद इसमें कद्दू ऐड करते जाएंगे जो हमने पहले से तैयार किया हो। ये हमारा चिकन अभी बनाई हो रही है इसकी। तो सर ये कितनी देर तक चिकन तैयार हो जाएगा, भुन जाएगा? ये अगले 3 से 4 मिनट में जी हमारा जो चिकन है उसकी बनाई कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कद्दू, और उसके बाद इसको कद्दू के साथ मिलकर पकाया जाएगा या दोबारा इसको दम लगाना क्या करना है? अच्छा कद्दू जब इसमें ऐड करेंगे जी, इसको हम दम लगाएंगे और उसके बाद हमारा आज का जो है कद्दू गोश्त तैयार हो जाएगा। तो जब तक ये उस्ताद इसकी बनाई करता है मैं दोबारा आपसे आके मिलता हूँ। ये जी हमने कद्दू जो है इसको गलाया है प्रेशर के साथ, ये देखिए जी कद्दू हमने गला दिया है ताकि पकने में आसानी हो। अभी इस कद्दू को ऐड करेंगे चिकन के साथ और इसको दोबारा पकाया जाएगा। ये जी आज हमारे जो कद्दू गोश्त तैयार हो रहा है उसके लिए जो चिकन हमने तैयार किया था उसकी बनाई कंप्लीट हो गई, ये देखा जी। अभी इसमें कद्दू ऐड किया जाएगा, ये देखें जी इसने ऑयल छोड़ दिया, ये मुकम्मल तौर पे भून चुका है। अभी साथ इसमें ऐड करेगा कद्दू जो हमने अलग से बॉईल करके रखा हो, और ये आज की हमारी जो मेन एक डिश है वो तैयार हो जाएगी कद्दू को चिकन में। ये जी कद्दू ऐड कर दिया जी चिकन में जो पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, ये कद्दू गोश्त कद्दू को, ये जी कद्दू इसमें ऐड हो गया है। अब इसको इसके साथ पकाया जाएगा और हमारा जो आज की जो मेन ये जो डिश है तैयार हो जाएगी कद्दू गोश्त। कद्दू गोश्त चिकन में बनाया जा रहा है जी। ये जी अभी इसकी बनाई, अभी सर इसकी बनाई करनी है क्या करनी है? तो ये पानी कितने देर तक खुश्क हो जा रहा है? तो अभी इसको दम लगाना है या लगाने की जरूरत नहीं है? अच्छा पहले इसको पानी खुश्क करना है फिर दम लगाना है। अभी जी ये साथ कह रहे हैं कि इसका पहले पानी खुश्क होगा उसके बाद इसको दम लगाएंगे। थोड़ा सा नमक और मजीद ऐड किया, तो इसमें गरम मसाला वगैरह अभी नहीं डाला? अच्छा अभी लास्ट में डाल रहा है, ये देखें ये कद्दू गोश्त। तो जैसे भी इसका पानी खुश्क होता है मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ। ये जी अभी हमारा जो कद्दू गोश्त है माशाल्लाह देखें इसे काफ़ी हद तक इसकी क्या तैयार हो चुका है। अभी थोड़ी सी इसकी बनाई अभी और साथ करेगा और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा, ये देखें कद्दू गोश्त ये चिकन में तैयार हो रहा है जी। ये देखें कद्दू गोश्त ये देखें ये पाकिस्तानी स्टाइल में तैयार हो रहा है जी कद्दू गोश्त घुटा हुआ। ये अगले 4 से 5 मिनट में हमारा जो कद्दू गोश्त है ये रेडी हो जाएगा। अभी साथ इसमें ऐड कर रहा है जीरा पाउडर और ये काली मिर्च, ये देखें ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जी इसकी कद्दू गोश्त की, और ये गरम मसाला इसमें आखिर में ऐड कर रहे हैं साथ, ये देखें। और ये हमारा जो कद्दू गोश्त ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, अभी इसको बुफे में सर्व कर दिया जाएगा। ये देखें अलहम्दुलिल्लाह जी ये कद्दू गोश्त रेडी हो चुका है, इसने आइल छोड़ दिया और अभी इसको हम बुफे में सर्व कर देंगे और कस्टमर के लिए पेश कर दिया जाएगा कद्दू गोश्त। अलहम्दुलिल्लाह जी हमारा जो कद्दू गोश्त है जो हमने चिकन में तैयार किया है ये तैयार हो चुका है, ये देखें जी कैसी ज़बरदस्त इसकी शक्ल निकली है जी, और इसके बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल की सपोर्ट के लिए हमारे चैनल कुकिंग विद हबीबा को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं जी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ, मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।